हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कमलेश किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज देखने में लग रही है ना एकदम से लजीज सी मार्केट वाली बर्फ़ी, तो ये कोकोनट 3 कलर की बर्फ़ी बनाई है हमने। तो इसे आप घर पे बनाइए, आप आपके बच्चे या फिर आप इस फेस्टिवल राखी के त्यौहार पर ज़रूर बनाइए कोकोनट पाउडर से बनी हुई बर्फ़ी। तो कुछ भी इसमें सामान नहीं लगता, सिर्फ कोकोनट पाउडर से और 2 कप दूध से ही हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने 1 कटोरी दूध डाल दिया है और 1 कटोरी और ले लिया है, यानी कि 2 कटोरी मैंने दूध लिया है। अब दूध को हम थोड़ा गर्म होने देंगे, मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम कर लिया है। अब जैसे कि मेरा दूध उबलने लगा है, मैंने इसमें कोकोनट पाउडर डाल दिया 1 कटोरी, ये जो मार्केट में अच्छे से मिल जाता है कोकोनट पाउडर, वही हमने लिया है। थोड़ा सा इसको मैं मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली है, ये पिसी हुई चीनी है, आप चाहे तो सिंपल वाली चीनी भी ले सकते हैं जो अपने घर में होती है वही। अच्छे से हम इसको मिला लेंगे और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच डाल दी मलाई। तो मलाई मैंने दूध की निकली हुई मलाई ऊपर से डाल दी है और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर भी मैंने डाला था, तो आप चाहें तो डालें या फिर इग्नोर कर दें। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी, और देसी घी इसलिए लिया है क्योंकि कढ़ाई में ना चिपके, वैसे तो कोकोनट पाउडर के अंदर काफ़ी ऑयल होता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब हमारे ये कोकोनट पाउडर कढ़ाई छोड़ने लगे तो मैंने इसके कर लिए हैं 3 पार्ट। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 3 रंग की बर्फ़ी, तो इसमें मैं डालूँगी 3 कलर के रंग। तो मैंने यहाँ पर हरा कलर डाल दिया है, एक में डाल दूँगी गुलाबी, पिंक कलर, और इनको मैं अलग अलग कटोरियों में निकाल लूँगी तीनों हिस्सों को। यहाँ पर फूड कलर लिए हैं मैंने, जो खाने में यूज होते हैं वही कलर लिए हैं मैंने। तो पिंक कलर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैं और डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है येलो कलर, आप चाहे तो वाइट भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें कलर ना डालें, सिंपल वाइट कलर की ही बना लेते हैं। तो सिंपल वाइट कलर की मैं पहले बना चुकी हूँ इसलिए मैंने कलरफुल बना रही हूँ। तो आप इसमें जैसे कि 15 अगस्त आ रहे हैं, आप 3 कलर की तिरंगे के झंडे के जो कलर होते हैं ना, वो भी इसमें मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है 3 कलर, तो 3 कलर में मैंने सबसे पहले मैं ये लूँगी येलो कलर। येलो कलर को मैं सबसे नीचे, इसमें छोटी सी थाली ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया, उसमें ऊपर से डाला येलो कलर का कोकोनट, जो हमारी मिठाई जो हमने बनाई है वो ऊपर से डालेंगे हम पिंक वाली। और इस पिंक वाली थोड़ा ठंडा हो चुकी है, तो अच्छे से वहाँ से ठंडा जल्दी जल्दी करें, ये अगर हम ठंडा हो जाएगा तो फिर ये जम नहीं पाती, तो टाइट हो जाती हैं। तो आप जितना हो सके गरम गरम में ही अच्छे से इसको बर्फ़ी बना के तैयार कर लें, ठंडा होने के बाद ही काफ़ी टाइट हो जाती है। तो यहाँ पर छोटी सी मैंने प्लेट ली है, ये लड्डू गोपाल की प्लेट थी, उसी में मैंने इसको जमा दिया। और आप चाहे तो साइडों में से कट कर सकते हैं, बट मैं साइडों में से नहीं करूँगी, मैं इसमें जैसे बर्फ़ी के पीस होते ना उसी तरह के मैं इनको कट कर लेती हूँ। आप चाहें जो आपको पसंद आए कलर, जैसा आपको डिज़ाइन पसंद आए वो आप डिज़ाइन डाल दें, जैसा आपको रंग पसंद आए आप वो रंग डाल दें। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिए हैं बर्फ़ी वाले चकोर पीस। तो काफ़ी अच्छी हमारी मिठाई बनकर तैयार है और काफ़ी अच्छी निकल जाती है, ये बिल्कुल एकदम से चिपकती नहीं है, बड़े अच्छे से निकलती है। ये देखिए कितने अच्छी प्यारी कलर से निकला है, कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा है इसका। और मैं इसको निकाल के एक प्लेट में अलग से रखते जाऊँगी। ये देखिए कितने अच्छा 3 कलर की कितनी प्यारी मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। तो मैं सारे पीस इसी तरह से निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो जब तक मैं सारे पीस निकाल के तैयार करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, और हाँ बेल का निशान दबाना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि बेल के निशान से ही तो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी और सॉफ्ट बन के तैयार हुई है कोकोनट बर्फ़ी, मार्केट जैसी मार्केट में मिलती है ना उसी तरह की बनाई है। यहाँ पर 3 कलर की है, आप चाहें तो जैसा भी कलर लें। इस राखी पे आप भी बनाएं 3 कलर की मिठाई रक्षाबंधन स्पेशल, घर में बनाएं, आपके मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगी। मार्केट से लाना बंद करें, मिलावटी बर्फ़ी बिल्कुल बंद करें, घर में ही घर के ही सामान से बनाएं। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हैप्पी रक्षाबंधन।